तो हेलो गाइस, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी में। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं ये रहा स्पीडोमीटर गाइस। और आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आप अपना साइकिल में स्पीडोमीटर लगाना चाहते हैं तो किस तरह से साइकिल में स्पीडोमीटर फिट किया जाता है और कौन सा स्पीडर हम लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और फिटिंग करने का तरीका क्या है ताकि स्पीडोमीटर ख़राब ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और इसके रिलेटेड में बहुत सारे ऐसे हमारे डियर सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो कि हमें कमेंट किए हैं कि राजू भाई हम अपना साइकिल में स्पीडोमीटर को किस तरह से फिट करें, आप स्पीडोमीटर के ऊपर में एक वीडियो ले आइए और कौन सा स्पीडोमीटर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उन्हीं लोगों का आधार पर हम ये वीडियो को ले आए आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए आप लोग का किमती समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं ये स्पीडोमीटर का खासियत क्या है और इसे किस तरह से फिट करना है, सारा चीज़ आप लोग को अच्छे से बताएंगे। तो गाइस, स्पीडोमीटर को बाहर निकालते हैं पैकेट से और साइकिल में फिट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, पैकेट से बाहर निकाल रहे थे, एक सबसे पहले आपको मैनुअल मिल जाता है इस तरह का, जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद इसमें जो आपको स्पीडोमीटर आ जाता है गाइस, कंप्यूटर वाला, जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका जो इसमें सेंसर आ जाता है, होल्डर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें जो है लॉकिंग फीता आ जाता है गाइस, नायलॉन का। उसके बाद इसमें आपका जो है दो मैग्नेट आ जाता है जो कि सेंसर के द्वारा काम करेगा। ये जो स्पीडोमीटर है गाइस, ये आपका वाटरप्रूफ है जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये जो मैनुअल है, ये मैनुअल में सारा चीज़ दिया हुआ है किस तरह से फिट करना है स्पीडोमीटर को, आप लोग जो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं सेंसर वाला मैग्नेट, इसे हम जो है स्पोक में फिट करेंगे। तो स्पोक में किस तरह से फिट करना है, तो ये जो स्क्रू देख रहे हैं तो चार मुंह वाला पेचकस आपको ले लेना है और इस तरह से स्क्रू को आपको खोलना है। थोड़ा सा हार्ड रहेगा गाइस, ठीक है, तो आपको हिसाब से खोल लेना। इस तरह से जब आप खोलेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैग्नेट साइड वाला, ये आपका बाहर साइड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो फिट करना है और ऊपर वाला स्पोक देख करके आपको फिट करना है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ये देखिए, हम जो है इस जगह में फिट कर रहे हैं। ये देखिए, एक जो हम इस तरह से फिट कर दिए हैं और अपोजिट साइड से इसे आपको इस तरह से लगाना है। ये देखिए, इस तरह से फिट करना है, ये आपका हो गया फिट। उसके बाद स्क्रू को लगाना है आपको, ये देखिए, और यहाँ पर जो आपको स्क्रू को फुल टाइट नहीं देना, अभी आगे का काम बाकी है। तो इस तरह से हम एक फिट कर दिए हैं और इसी का सेंटर में आप जो हम दूसरा वाला भी फिट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए फटाफट फिट कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, ये देखिए, दोनों ही जो मैग्नेट हमारा व्हील में फिट हो चुका है स्पोक में, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ये जो स्क्रू है दोनों फुल टाइट नहीं देना है। अब क्या करना है, ना है सेंसर होल्डर लेने के बाद जो आपको क्या करना है, फिट करना है इस जगह में, ठीक है। फ्रॉक का जो पाइप है इसमें आपको फिट करना है, टेप का जो ऊपर वाला कवर रहेगा इसे आपको निकालना है और यहाँ पर आपको जो हिसाब से फिट करना है। तो चलिए हम पूरा एकदम अच्छे से फिट कर लेते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से दिखा देंगे और बता देंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, होल्डर और सेंसर नीचे में फिट कर दिए हैं जैसा कि देख पा रहे हैं। तो जिस तरह से आप लोग को हम दिखाएं गाइस, उस तरह से आप लोग को जो है फिट कर लेना है। और सेंसर जो मैग्नेट सेंसर है, उसे कितना आपको डिस्टेंसिंग में रखना है, कितना दूरी में रखना है, तो देखिए आप लोग को हम दिखा देते हैं। जैसा कि दूरी आप देख पा रहे हैं और ये जो मैग्नेट हम फिट किए, तो ये मैग्नेट फिट करने का मेन तरीका क्या है गाइस, अगर ये मैग्नेट सही से आप फिट नहीं करते हैं तो सेंसर आपका सही से काम नहीं करेगा और मीटर बताएगा नहीं जरा सा भी, ठीक है। तो ये हम एक बता दिए, इस जगह में आपको फिट करना एकदम कितना डिस्टेंसिंग है, कितना का दूरी है, देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं। और एक हम दिखा देते हैं आपको मैग्नेट सेंसर वाला,
ये देखिए, और एक का दूरी हम आप लोग को दिखा दिए, ये देखिए थोड़ा सा ये ज़्यादा दूरी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका काम कर रहा है, वो हम चेक कर लिए हैं पहले ही। ठीक है गाइस, तो आप लोग को हम एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, ये जो मैग्नेट और सेंसर एक साथ में जो है, इसका जो डिस्टेंसिंग है, ये देखिए आपका मिडिल पे नहीं है। ठीक है गाइस, ये जो सेंसर है, ये सेंसर का मिडिल पे नहीं होना चाहिए ये मैग्नेट। ये मैग्नेट या तो नीचे रहेगा या तो ऊपर रहेगा। ठीक है, इसका जो मैनुअल है उसमें आपका दिया हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो मैग्नेट और सेंसर को फिट कर लेना है, और वायर को देखिए एकदम अच्छे से आपको फिट कर लेना, ताकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएँ और बताएँ। ये देखिए, ये देखिए, और दूर से देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, यानी पता नहीं चलेगा, हालांकि एक डिज़ाइन जैसा वायर में बन गया है, ब्रेक वायर में। स्पीड नापने वाला ये मीटर को इसमें फिट करते हैं, तो फिट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसे रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, रीसेट करने के बाद जो है ये जो साइज है, व्हील का साइज का हिसाब से ये मीटर को मिलाना पड़ता है। तो किस तरह से मिलेगा, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रीसेट करेंगे। तो रीसेट करने के लिए अपोजिट साइड में इसका जो सेल लगा हुआ है गाइस, तो सेल को हम खोलेंगे। ये देखिए, सेल यहाँ पर लगा हुआ, तो सेल इस तरह से आपका आसानी से खुल जाएगा। ये देखिए, सेल खोले तो ये देखिए मीटर बंद हो चुका है। उसके बाद दोबारा सेल को आपको इस तरह से फिट कर देना है, और ये जो इसका कवर, इसे आपको टाइट कर देना है, सही से बैठा करके टाइट कर देना है। ठीक है, ये देखिए हम फुल टाइट दे दिए हैं, और ये देखिए चालू हो चुका है। ये जो व्हील का साइज है उसका हिसाब से यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, नंबर को मिलाना है। मैनुअल आप देख पा रहे हैं, तो मैनुअल में देखिए यहाँ पर व्हील का नंबर लिखा हुआ। ठीक है, साइकिल का जो व्हील का नंबर होता है सारा लिखा हुआ रहेगा, जिस भी कैटेगरी का आपका साइकिल हो सभी में आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, और यहाँ से नंबर आप जान सकते हैं। तो हमारा व्हील का जो नंबर है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, 26x2.10 है। ठीक है, और इसका जो नंबर है 2058 है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये नंबर को मिलाना पड़ता है। तो चलिए हम फटाफट मिला लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। जैसा कि देख पा रहे, तो राइट साइड का बटन को आपको प्रेस करना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आपको छोड़ देना, फिर आपको लेफ्ट साइड बटन को प्रेस करना है। ये देखिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है गाइस, ये देखिए 2058 हो गया, जैसा कि मैनुअल में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ये जो हम अब क्या करेंगे कि अब हम इस सामने वाला बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि टाइम मिलाना पड़ेगा। टाइम मिलाने के लिए हमें क्या करना, लेफ्ट साइड का बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा 3 सेकेंड। ये देखिए, उसके बाद जो है ये आपको हमको 12 हॉर्स करना पड़ेगा, तो ये आपको 24 हॉर्स है। ये देखिए 12 हॉर्स हो गया, उसका टाइम को मिलाना पड़ेगा। ये देखिए, तो अभी हमारा समय हो रहा है, ये देखिए राइट साइड वाला बटन को प्रेस कर दिए, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए ये जो मीटर हम इसमें फिट करते, इस तरह से जो है गाइस आपका मीटर आसानी से फिट हो जाएगा। ये देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं मीटर हम फिट कर दिए हैं। मीटर फिट करने के बाद यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं साइकिल टाइप का छाप बना हुआ है, और यहाँ पर जो दो व्हील आप देख पा रहे हैं दोनों घूमने लगे जब सेंसर का इमें आएगा। ठीक है, सेंसर का टच में आएगा, तब देखिए हम आप लोग को दिखा देते हैं गाइस। तो ये देखिए, जैसा ही सेंसर का टच में आया, ये देखिए आपका जो है चक्री यहाँ पर ही घूमने लगा। ठीक है, साइकिल का जो व्हील का चक्री घूमने लगा, फिर अभी देखिए बंद हो गया। अब चलिए साइकिलिंग करते हैं और इसका स्पीड को नापते हैं कि कितना स्पीड तक ये चल रहा है। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं अभी 0 है मीटर, और हम साइकिल में चढ़ चुके हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मीटर एकदम परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट दे रहा है, और सही काम कर रहा है। मीटर का परफॉर्मेंस यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए आस्ते आस्ते साइकिल को स्पीड करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे स्पीड कर रहे हैं उस तरह से जो है स्पीड भी सही हिसाब से मीटर में बता रहा है। तो इस तरह से गाइस, जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएं उस तरह से एकदम फिट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और गाइस, ये स्पीडोमीटर का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है बाय कर सकते हैं। तो चलिए मैक्सिमम कितना स्पीड तक हम चला पा रहे हैं वो देख रहे हैं। तो ये देखिए, 37 39 47, फिर ये देखिए, फिर आपका जो है यानी 37 39 तक, लास्ट 40 भी नहीं पहुंचा पाए, यानी इतना स्पीड जो है चल रहा। हालांकि जो हमारा गियर का सामने वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके वजह से, तो बाद में रिपेयर करेंगे उसका, तो वो ठीक हो जाएगा और भी स्पीड जाएगा। तो इतना मिनिमम पे हम आप लोग को दिखा दिए। लेकिन गाइस, इसमें हम एक प्रॉब्लम आप लोग को बताना चाहेंगे लास्ट में। तो जैसा कि आप ये प्रॉब्लम देख पा रहे हैं,
तो ये प्रॉब्लम में क्या हुआ कि हम जो है डबल मैग्नेट को फिट कर दिए हैं, जो कि सिंगल मैग्नेट फिट किया जाता है। तो डबल मैग्नेट हमें मिला था, तो हम डबल मैग्नेट दोनों ही फिट कर दिए हैं सेंसर का पास में। तो हमें क्या करना पड़ा कि एक मैग्नेट जो है उसे थोड़ा सा साइड करना पड़ा और एक मैग्नेट को सेंसर का टच में रहने दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को जो फिट करना है, एक ही मैग्नेट को लगाना है, तो परफॉर्मेंस सही मिलेगा, तो मल्टीपल स्पीड हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है इसीलिए। चलिए फिर मित्र, जय हिंद, वंदे मातरम।